फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, एप्पल वाला बिना चार्जर का मोबाइल बना दिया, खान सर कॉमेडी। बात तो बिल्कुल वही है कि इतना महंगा देते हो और उसमें आप एक चार्जर भी नहीं दे सकते हो, और ऊपर से यही नहीं, फोन में ये भी देखो कि वो जो लगाने के लिए कान के लिए होता है उसके लिए भी वो कोई जैक है ही नहीं। तो अब जबरदस्ती उन्होंने फोर्स करके कि आप वही लो, इतनी प्रॉब्लम होती है कि अब वो एक अगर एक बंदे के पास उसने यूज करना है तो दूसरा क्या करे, क्योंकि दूसरे के पास फोन है वो यूज को करने पर प्रॉब्लम होती है। मतलब हर के लिए एक एक खरीदो अब, तो अगर आपके पास वो हो तो आसान काम होता है, इतने महंगे भी नहीं होते वो, तो कमाल की वैसे बात है। देखते हैं खान सर क्या बोलते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लड़का देखेगा मोटा की था भाई, अच्छा होगा, इसी यूपीएससी यही से टॉप कर जाएंगे। अभी नया एगो आईफोन निकाला, मैं चार्जर ही नहीं दे रहा है और ना ईयरफोन खोजने के लिए कोई जगह ही नहीं दिया है। सोच रहा हूँ 7-8 लड़के हैं, क्या सोच के इतना लड़का कर लिया। ये सब ऊपर वाला पालता है, ऊपर वाला पालता है तो फिर 10 गो और ट्राई मारिए। हमको तो लगता है यूपी बिहार वाले कभी इस पे सीरियसली सोचते भी नहीं होंगे। भाई जब तक नीचे बोर्ड हो जाएगा ना, 1.5 साल का होगा तो असली दलिद्दर का रूप लेगा वो। कल कितना लड़का नहीं आया था, करमपुर सब का नहीं आया था सर। इतना दिन छुट्टी के बाद तुम लोग का मन नहीं भरा था। अब इसमें क्या पड़िएगा, एक यही है कि इस समय सूर्य कहाँ रहता है, मगर अब इसी को लंबा कीजिए। क्योंकि सूर्य मकर रेखा पे चला जाता है, भारत में ठंड ज्यादा पड़ने लगती है, हवाएं भारी हो जाती हैं और भारत में उच्च दाब पड़ने लगता है, उत्तर भारत में शीतलहर चलने ले ससुर जबरदस्ती ओकरा घींच रहा है। लड़का देखेगा मोटा की था भाई, अच्छा होगा, इसी यूपीएससी यही से टॉप कर जाएंगे। सबसे नहीं, कंसेप्ट पढ़िए, जितना अपने आप को सोचिए शॉर्ट से शॉर्ट रखने के लिए। आपके यहाँ जब लू चलता है तो क्या धूल की परत जमती है कि नहीं? लॉकडाउन में जब क्लास बंद था तो इतना धूल का परत इसी में जम गया था कि नहीं? आप किसी घर को देखिए, 8-10 दिन सफाई मत कीजिए, देखिए उस पर धूल की परत जम जाती है। तो हम लोग के खेतों में कौन मार झाड़ू मारने को ही जाता है। तो धीरे धीरे आप कल्पना कीजिए कि अगर इतनी सा भी मिट्टी जम रहा है तो आने वाले 10 साल में इतना जम जाएगा। हम लोगों ने अपने फूड चेन को, जो खाने का फूड चेन था, उसको हम लोगों ने काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया है, जिसके रीजन भी है। ऑर्गेनिक खेती अच्छी होती है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की सबसे बड़ी खराबी होती है कि इसमें पैदावार ज्यादा नहीं होता। आप शुद्ध गोबर वगैरह डालिएगा खेत में, उतना नहीं पैदावार होगा। लाइए डीडीटी, यूरिया, पोटाश, माद छींक दीजिए, देखिए कैसे पूरा खेत लाल आ जाता है। तो भाई हम लोग की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है एकदम धड़ाधड़, है कि नहीं? जनसंख्या कंट्रोल का कोई सवाल ही नहीं होता है। हमको तो लगता है यूपी बिहार वाले कभी इस पे सीरियसली सोचते भी नहीं होंगे, है कि नहीं? एक टोक 7 या 8 लड़के थे, हम उससे पूछे कि भाई 7-8 लड़के हैं, क्या सोच के इतना लड़का कर लिया आप? करें कि सब ऊपर वाला पालता है। हम कहें कि जब ऊपर वाला पालता है तो फिर रोके क्यों है, 8-10 गो और ट्राई मारिए। ऊपर वाला तो सबको पालता है, वो चाहे आपका रहे चाहे आपके जगह पे पड़ोसी मेहनत करके जाए। ये कोई लॉजिक है भाई? ये क्या पैसा बनता है भाई? सबको सोचना चाहिए। आपके पास 2-3 मतलब अभी के वक्त में आप कह सकते हैं मैक्सिमम 3-2 सबसे सुखी परिवार होता है, लेकिन इसके पीछे भी कई रीजन है। हमारे समाज में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिल पाता है, इसलिए अगर किसी का बेटा नहीं है ना, तो बेटा के इंतजार में 8 गो बेटी होगा, तब तक वो फुल स्टॉप नहीं मारेगा जब तक होगा लड़का ना आ जाए। नहीं, पर अब तो चेंज आ गया। जनसंख्या के बढ़ने में एक ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। आज भी गांव में देखिएगा ना, अगर किसी की 4 गो बेटी है ना, जब ले बेटा ना होगा तब तक क्या। और ये सोच केवल और केवल पुरुषों की रहती तो समझ में आता, महिलाओं की भी यही सोच है। अरे उस औरत को तो कहना चाहिए ना कि लड़का लड़की में क्या दिक्कत है ना, एक बबुआ रहे कि बुढ़ौती में के काम है। तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हम ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह पाते। क्या हम लोग जब छोटे थे गोदी में खेलते थे, क्या वही खाना हम लोग पचा सकते थे? चेंजिंग करना पड़ेगा। छोटा बच्चा को देखिएगा ना, शहद पिएगा, थोड़ा सा दूध पीते रहेगा, तनी सा बड़ होगा तो उसकी माँ दाल का पानी पिलाएगी, फिर थोड़ा थोड़ा हलवा खिचड़ी यही सब सेरेलेक्स वगैरह आता है उनसो का, सान उनके दीजिए। ओके भाई, जब तनी सा बड़ हो जाएगा ना, 1.5 साल का होगा तो असली दलिद्दर का रूप लेगा वो। कुछ सोच रहा मुंह में डालेगा, कुछ उठाएगा।
पुच्छू पकड़ेगा मुंह में डाल देता है। तो छोटे बच्चों का भोजन अलग होता है, उसी तरह जब हम फसल बोने जाते हैं खेत में, जब बीज डालते हैं तो बीज का खुराक अलग है, जब बीज बड़ा होके पौधा बनता है तो उसका खुराक अलग है। तो जब कभी आपके खेत में अम्लीयता बढ़ जाए, पहले जमाने में नमक पीसल नहीं आता था, हम लोग का वक्त में रोड़ा नमक मिलता था इतना खड़ा खड़ा, वो खरीद के आता था तो घर पे इसे नमक क्या किया जाता था, पीसा जाता था। आज ना रेडीमेड आ गया है, नया पतंजलि का नमक खाओ उड़ जाओ, समझ में आ गया कि नहीं। तो पहले जमाने में तो नमक इतना बड़ा बड़ा पत्थर आता, आज भी आता है, लेकिन अब लोग उसको गाय को खिलाते हैं। खेत में जोंक हो जाते थे, क्या हो जाते थे, जोंक, समझते हैं, खून चूसने लगते हैं, तो उसमें खेती भी जरूरी था। तो जो हम लोग के वक्त में जो खेत में जाते थे लोग ना, वो क्या ये पैंट में, ये पैंट जो रहता था ना, इसमें वही पत्थर वाला नमक रख के ऐसे पैंटवा मोड़ लेते थे, पैंटवा चार बार पांच बार मोड़ लीजिए और उसी में नमकवा रख दीजिए, तो पत्थर टाइप का नमक रहता था, धीरे धीरे गलता था, तो दोनों में इसे मोड़ लेता था तब खेत में उतरता था, जहां उतरेगा वहां नमक नमक करके रख देता था। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता था कि अगर ज्यादा नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपकी मृदा का पीएच क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको क्या मतलब होगा, जोंक से मतलब है, भाग गया जोंक यार। मृदा पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ है, हाँ भोपाल। अब विद्यार्थियों पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ है, रिसर्च सेंटर में बैठा ये भोपाल में, इसका रिसर्च सेंटर जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है भैया, एक स्थानांतरित मिट्टी है, कैसी है, स्थानांतरित। तो हर साल इसका स्थान नहीं बदलता है, क्यों, जिस साल बाढ़ जबरदस्त आएगा उसी साल ज्यादा स्थान बदलेगा, और जिस साल बाढ़ कम आएगा उस साल स्थान नहीं बदलेगा। यानी ये किसी साल नया हो जाएगा और किसी साल पुराना रह जाएगा। तो किस साल ये नया रहेगा, 21 में, जिस साल बाढ़ आएगा उस साल। तो जिस साल बाढ़ आता है उस साल ये मिट्टी नई हो जाती है, और जिस साल बाढ़ नहीं आता है नया वाला नहीं आ पाया। तो जब नया रहता है तो इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं, अब पुराना रहता है तो पुरानी जलोढ़। तो ऐसा इतना सिंपल नाम थोड़े रखेगा, नवीन जलोढ़ या पुरानी, नवीन जलोढ़ ज्यादा उपजाऊ या पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़ काहे, कोई जरूरी थोड़ी है कि नया रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। अभी नया एगो आईफोन निकाला, मैं चार्जर ही नहीं दे रहा है और ना ईयरफोन खोजने के लिए वो मैं कोनो जगह ही नहीं दिया है, मतलब ये पूरा बहल है सोच रहा हूँ। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा, भारत इन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा भारत में बेचा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई भी चीज नया आता है तो अच्छा ही रहेगा, समझ में गया। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स था तो मजेदार, बस ये मुश्किल है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो वो जब वो वर्ड्स यूज करते हैं ना तो समझ नहीं आता किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर इंग्लिश में बोलते तो समझ में आ जाए, पर कोई बात नहीं हिंदी में सीख लेंगे, अब हमारे को दोनों में आ जाएगा राइट। पर ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया ये फोन का, और आज सुबह सुबह ही हम दोनों में यही प्रॉब्लम हो रही थी, इनके पास है आईफोन तो इनको चाहिए और मेरे पास है वो दूसरा वाला, तो इनको चाहिए, मुझे चाहिए था इनके कान वाला क्योंकि मैंने अपने लिए खरीदा नहीं हुआ है, मैंने कहा मुझे इतनी जरूरत ही नहीं होती है, तो मुझे चाहिए था काम कर रहा वो जिम जा करना था तो मैंने बोला कि भैया मेरे को ये दे दो ताकि मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अब ये जी महाशय जी मैं ब्रेक लिए 5 मिनट के और ये आ गए, कहते हैं यूं कर रहे थे ऑफिस में थे यूं, मैंने कहा तभी क्या कर रहे हैं, तो फिर कहते मैंने कहा क्या चाहिए, तो कहते वो कान वाला दो ना भैया, मैंने कहा वो तो मेरा भी मैंने करा नहीं है एक्सरसाइज, तो प्रॉब्लम हो गया, इनकी मीटिंग है और मेरे पास जो है वो मुझे मेरी एक्सरसाइज नहीं खत्म हुई, तो हम परेशान। तो मैंने कहा यार तुम वो लगा लो ना अपना उसके अंदर डुंडी लगा के, दूसरा वाला लगा लो जो चीप वाला होता है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं डुंडी कहां से लगाऊंगी। अच्छा इतने महान है, हम दोनों को ही नहीं पता कि हम दोनों के फोन में ही नहीं है, मैं ये भूल गई थी। अबे समाना ऐसा आ गया कि दोनों के फोन में वो जैक नहीं है जिसमें आप रस्सी वाले वाइड वाले डालो, वाइड वाले बेस्ट होते थे, उसमें कोई ब्लूटूथ का पंगा नहीं, कोई मतलब सिग्नल का पंगा नहीं, आपने सीधा तार लगाई है बिंदास बात करिए। और जमाना ही ऐसा बर्बाद हो गया, थे इतने आराम से ले लो, बिल्कुल जमाना इतना बर्बाद हो गया कि अब आपका वो जैक ही नहीं है, मतलब अब तो आपको जो है बस यही ब्लूटूथ के हिसाब से जीना पड़ेगा, बीच में डिस्टर्बेंस होगी, कभी कनेक्शन जाएगा, ये होगा वो होगा, जितना भी आप महंगा ले लीजिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इतना कभी क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है। तो जो भी है टेक्नोलॉजी का मेरे ख्याल से भट्टा बैठ रहा है, और एक को देख के अगर एप्पल ने ऐसे कर दिया तो सैमसंग वाला भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बट हमें लगा था चलो एप्पल ने ऐसा करा है सैमसंग वाला जैक दे देगा, नहीं वो भी निकाल रहा है, हैरान कि वो भी नहीं दे रहा चार्जर। अब इस बार जो है एप्पल ने चार्जर नहीं दिया, हो सकता सैमसंग भी बंद कर दे कि हम भी नहीं देते चार्जर, मेरे कहीं इसमें आया था क्या चार्जर, आया था अभी तो आया था, बाद में मेरे ख्याल से
चार्जर का भी कर देंगे नो चार्जर, अपना बाहर से खरीदो। हद है वैसे, बिल्कुल हद है, इतना महंगे, सबसे महंगे फोन है वो, उसमें आप चार्जर और ये नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा हुआ, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो खान सर जी है वो भी ये कर रहे हैं, मजाक तो उड़ा ही रहे कि हर चीज जो महंगी होती है वो अच्छी नहीं होती, हर चीज जो नहीं होती है नॉट नेसेसरीली अच्छी हो। एग्जैक्टली तो बड़ा मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा और इससे पता चल गया होगा महंगी चीज हमेशा लेने की जरूरत नहीं, देखा करो क्या क्या मिलता है उसके अंदर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।